हरे कृष्णा अध्याय 11 श्लोक नंबर 12। दिवि सूर्य सहस्रस्य भावे द्युगपद्गुतित यदि पहा सदृशी सास्यात् भासस्तस्य महात्मन। इसका अर्थ, यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय हो तो उनका प्रकाश शायद परम पुरुष के इस विश्व रूप के तेज की समता कर सके। इसका तात्पर्य, अर्जुन ने जो कुछ देखा वह अकथ्य था, तो भी संजय धृतराष्ट्र को उस महान दर्शन का मानसिक चित्र उपस्थित करने का प्रयत्न कर रहा है। न तो संजय वहां था न धृतराष्ट्र, किंतु व्यास देव के अनुग्रह से संजय सारी घटनाओं को देख सकता है। अतएव इस स्थिति की तुलना वह एक काल्पनिक घटना हजारों सूर्यों से कर रहा है, जिससे इसे समझा जा सके। हरे कृष्णा। तो ये था श्रीला प्रभुपाद जी द्वारा दिया हुआ तात्पर्य। मित्रों, इस श्लोक में संजय अब बता रहे हैं कि यदि हजारों सूरज एक साथ निकल पड़े तो किस तरह से चमकेंगे, उस तरह से शायद वो समता कर सके भगवान के इस विश्व रूप के तेज से। तो परम पुरुष भगवान इतने तेजोमय हैं कि हमारी भौतिक आंखें चकाचौंध हो जाए, है ना। हम उनकी सामना नहीं कर सकते, दिव्यता का सामना कोई नहीं कर सकता। दिव्यता का सामना वही कर सकता है जो दिव्य अनुभूति कर चुका है। इसीलिए उस चक्षु को जो प्रदान करते हैं वो केवल और केवल गुरु और भगवान ही कर सकते हैं, भगवान कृष्ण ही कर सकते हैं। उन चक्षुओं को प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए, उस दिव्यता को प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। यही हमारे मानव जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। और इस श्लोक से यही पता चलता है कि भगवान की तेज इतनी इतनी अनलिमिटेड है कि हम उसे सहन नहीं कर सकते। उसके सामने खड़े रहना तो दूर की बात है। इसीलिए अपने आप को सक्षम बनाना चाहिए कि हम इस कदर भगवान का दर्शन कर सके कि भगवान हमें वो चक्षु प्रदान करे, जैसे उन्होंने यहाँ पे अर्जुन को वो नेत्र प्रदान किए, वो शक्ति प्रदान की कि जिससे वो भगवान का विश्व रूप देख सके, वो तेज सहन कर सके। एक सूर्य का प्रकाश ही हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो हजारों कह रहे हैं, हजारों सूर्यों का प्रकाश, तो आप सोचिए भगवान कितने तेजोमय हैं। भगवान कुछ भी कर सकते हैं। भगवान का अद्भुत सौंदर्य है, अद्भुत लावण्य है, अद्भुत शक्ति है, और सब कुछ अनलिमिटेड है, अद्भुत है, हम सोच भी नहीं सकते। जिस तरह से मनु महाराज जो थे, फर्स्ट मनु महाराज इस सृष्टि के, जो स्वयंभू मनु कहलाते हैं, और उनकी धर्म पत्नी सतरूपा माता जी, जब दोनों के दोनों अंत में सब कुछ राज्य इतना बड़ा, मतलब ब्रह्मांड का राज्य के राजा थे वो स्वयंभू मनु, तो वो जब पूरा समर्पित करके भगवान के शरण चले जाते हैं, वो और सतरूपा माता जी तपस्या करने जाते हैं और 10,000 वर्ष तक तपस्या करते हैं, भगवान की भजन करते हैं, ताकि उनको वो भगवान का सुंदर रूप का दर्शन हो जिसकी उनके मन में चाह थी, दोनों के पति पत्नी दोनों के मन में चाह थी। अब हुआ यूँ कि 10,000 वर्ष तपस्या करने के बाद स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों भी पति पत्नी के सामने प्रकट हुए और उन्हें कहा कि आप उठ जाओ, अब तपस्या से आपकी तपस्या सफल हो गई है, अब आप हमारा दर्शन पाइए और जो मनोवांछित फल है उसकी प्राप्ति कीजिए। मगर सतरूपा माता जी और स्वयंभू मनु जो थे, महाराज और महारानी, दोनों भी आंखें खोल नहीं रही थी, जबकि तपस्या से इतने सूख कर काटा हो गए थे कि हड्डियां तक दिख रही थी और चेहरे का पूरा तेज जो है निकल चुका था पति पत्नी के शरीर से। तो अब आके तीनों कह रहे थे, तो ये दोनों उठने के लिए रेडी नहीं, कहाँ आपका तपस्या सफल हो गया, ख़त्म हो गया, फिनिश हो गया, सब कुछ हो गया, आप उठिए, उठ ही नहीं रहे थे दोनों भी।
अब वहाँ से वो चले गए। एक तरह से टेस्ट भी था वो, क्योंकि उन दोनों के मन में कुछ और ही लालच थी और ही इच्छा थी। अब बाद में क्या हुआ कि वहाँ पे एक बहुत सुंदर रूप प्रकट हुआ और उस सुंदर रूप ने सतरूपा माताजी और महाराज मनु को आवाज़ लगाई अपने मधुर मीठे आवाज़ से। उन्होंने कहा कि हे महाराज स्वयंभू मनु और सतरूपा माताजी, आप अपनी आँखें खोलिए, आपकी तपस्या सफल हो गई है, हम आपके समक्ष प्रकट हो गए हैं और आपको मनोवांछित फल देने के लिए आए हैं। ये मधुर वचन सुनते ही दोनों भी पति पत्नी समझ गए कौन आए हैं और तुरंत उन्होंने आँख खोल दी। और इतना ही नहीं बल्कि ये तक वर्णन है कि दोनों के कान पर भगवान के मधुर वचन पढ़ते ही दोनों के दोनों वापस नवयुवक हो गए, एकदम रिजेनुएट हो गया उनका बॉडी, एकदम दिव्य हो गया, एकदम सुंदर हो गया दोनों का शरीर। और जब आंखें खोली तो सामने किसको देखते हैं, बहुत सुंदर जो है खड़े हैं कौन, सीताराम जी खड़े हैं। और इतने सुंदर भगवान हरे रंग के हैं, धनुष बाण पकड़े हुए हैं और सीता मैया मंद मंद मुस्कराती हुई अपने पति के साथ खड़ी हैं और वहाँ पे अपना दर्शन दे रहे हैं दोनों। अब दोनों ने सतरूपा माताजी और मनु महाराज को वरदान किए दिया कि आप जिस लालसा से आए हैं, तपस्या कर रहे हैं, उसका उद्देश्य पूरा हुआ और आपको ये वरदान मैं देता हूँ कि इसी रूप का आपको दर्शन होगा वापस, किस तरह से त्रेता युग में मनु महाराज बनेंगे दशरथ और सतरूपा माताजी बनेंगी कौशल्या मैया और भगवान श्री राम उनके बहुत प्यारे पुत्र बनकर अयोध्या में प्रकट होंगे। इस तरह से भगवान ने वहाँ पे अपना अद्भुत सौंदर्य दिखाया जो कि बहुत प्रिय लगता है उस भक्त को जो जिसकी आराधना करता है। तो सतरूपा माताजी और स्वयंभू मनु और कोई नहीं, दशरथ महाराज और कौशल्या माता है जिनके घर श्री राम जी प्रकट हुए थे। तो इस तरह से भगवान अद्भुत लीलाएं करते हैं, अपनी अद्भुत शक्ति प्रदर्शन करते हैं ताकि हम इन लीलाओं को सुनकर समझकर उस दिव्यता को प्राप्त करें और धीरे धीरे उनकी तरफ प्रगति करते चले हमारी भक्ति मार्ग से, जिस तरह से हर एक शुद्ध भक्त ने भगवान को पा लिया है उसी तरह हमें भी निश्चिंत होना चाहिए कि हम भी ज़रूर एक दिन भगवान को पाएंगे, भगवान कृष्ण को प्राप्त करेंगे और वापस अपने धाम, भगवान के धाम, उनकी नित्य सेवा में प्रवेश कर पाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, श्री कृष्ण भगवान की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय।